सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका पॉलिटिकल संवाद में। यह पॉलिटिकल संवाद का तीसरा एपिसोड है और आज हमारे साथ में रियाज अहमद जी उर्फ मोनू भैया, जो कि युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव हैं और कांग्रेस के साथ में पिछले 11 सालों से कार्य मतलब उनके साथ में जुड़े हुए हैं। और इनका जो निवास स्थान है वो है लखीमपुर खीरी, जहाँ पे मैं इस वक्त हूँ। तो नेताजी, आपका स्वागत है नमस्कार। पॉलिटिकल संवाद में। तो पहले थोड़ा अपने बारे में बताइए कि कांग्रेस के साथ में कब से जुड़े और पॉलिटिक्स में कैसे इंटरेस्ट आया और जो भी। देखिए, पॉलिटिक्स का इंटरेस्ट तो हमें कॉलेज के टाइम से ही था। जी और एक हमारे यहाँ युवा कांग्रेस की एक विंग है, जो यूथ कांग्रेस इसको बोलते हैं, तो हमने जो शुरुआत करी वो युवा कांग्रेस से करी। तो पहले कार्यकर्ता के रूप में हम लोग काम करते रहे। 2009 में फिर हमें जिम्मेदारी मिली, युवा कांग्रेस के लोकसभा उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली। फिर उसके बाद में हम काम करते रहे, तो पार्टी ने काम को सराहा। उसके बाद में काफ़ी अहम पदों पे भी रहे, जैसे कि अल्पसंख्यक का पद होता है जिले का, फिर प्रदेश तक काम किया। उसके बाद में फिर एक यूथ में एक चुनाव होता है, हमारे यहाँ इलेक्टेड चुनाव होता है जो पूरे जिले से होता है, जिसमें हर विधानसभा में वोटिंग होती है। तो मैं इलेक्टेड जिला अध्यक्ष भी रहा। उसके बाद में अब मैं इस टाइम प्रदेश महासचिव हूँ और लगभग संगठन में ही काम कर रहा हूँ, और विधानसभा से दावेदारी भी कर रखी है मैंने, निघासन से। निघासन जो लखीमपुर के जी काफी जी जो करीब मेरा है। अच्छा, पैतृक गांव है वहाँ से मैंने दावेदारी भी कर रखी है, और संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी कर रहे हैं, करते रहेंगे। जनता के लिए लगभग जो मुद्दे हैं यहाँ के, वो बराबर रेगुलर उठाते रहते हैं हम लोग यहाँ पर। जी किसी कोई भी समस्या होती है, चाहे ऑक्सीजन रिलेटेड समस्या हो, फर्स्ट लॉकडाउन में भी हमने काफ़ी जो है हेल्प करी लोगों की। लगभग 1 से 1.5 हज़ार परिवारों को राशन दिया, और वो भी डीएम की लिस्ट, यहाँ से जो डीएम साहब के यहाँ से फ़ोन आता था हम लोग कोविड के टाइम, तो हम लोगों ने उस समय भी मदद करी। हमारी पार्टी हमेशा जानते ही हैं मदद करती है, और माननीय प्रियंका जी के आदेश पे भी हम लोग बराबर मदद करते रहे। अच्छा, तो जैसे डायरेक्ट जो सवाल पहला अगर मैं आपसे जो मेन पूछूं कि कांग्रेस के सत्ता में इतने सालों के ना होने का देखिए, कारण क्या हो सकता है? सत्ता में हालांकि आज 30-32 साल हो गए हैं जो सत्ता से हम लोग बाहर हैं, और हर राज्य में हम लोगों की सरकार है अधिकतर, और सबसे बड़ी पार्टी है। और उसका रीज़न यही रहा कि यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जो क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं, क्षेत्रीय पार्टियों का हावी हो जाना। तो अब क्षेत्रीय पार्टी, जब यहाँ पे लोग क्षेत्रीय पार्टियों को ज़्यादा पसंद करने लगे, सन 89 के बाद से क्षेत्रीय पार्टी हावी होने लगी। और कांग्रेस वैसे भी ऐसी विचारधारा है कि वो अपने लिए कभी राज, उसको राज की ज़रूरत नहीं है, राज करना उसके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है, जनता की सेवा में ही ज़्यादा उसको रहता है। तो इसलिए हम लोग ज़्यादा सत्ता के लोभ में नहीं रहे। और जो युवा वर्ग है या कहें कि छात्र वर्ग है, अब किसी की आइडियोलॉजी को तो हम नहीं कह सकते हैं कि किसकी किसी की कुछ भी है, कोई किसी पार्टी को पसंद करता है, कोई किसी पार्टी को। तो हमारी एक विचारधारा है, उस विचारधारा को आगे हम लोग बढ़ा रहे हैं, उसी से चल रहे हैं हम लोग। अगर जो वो राजनीति करे किसी की कि नहीं हमें राजनीति करनी है, तो हम अपने लाभ के लिए कुछ भी गलत कदम उठाएं, तो हमारी पार्टी इस तरीके की नहीं, भले हम सत्ता से और भी दिन दूर रहें। नहीं, जैसे कि आपने जब ज्वाइन भी करी जी तब जी भी कांग्रेस जो थी वो नहीं, पार्टी उसमें नहीं हाँ थी, नहीं, सत्ता में सत्ता नहीं में थी। नहीं रही, लेकिन यूपी में नहीं तो रही। ये ऐसा क्या था कि सिर्फ कांग्रेस, आप जाने के लिए सपा भी जा सकते थे, बसपा का उस समय काफी बोलबाला था। हाँ, अब तो हालांकि लोग कहते हैं कि आपको सपा में होना चाहिए था, आप अच्छा, बढ़िया कैडर सपा में होते, बसपा में भी होना चाहिए था, तो आपने क्षेत्रीय पार्टी क्यों नहीं चुनी? देखिए, कांग्रेस एक विचारधारा है, और उस विचारधारा से जुड़ करके हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन आज जो लोगों का जो एक माइंडसेट है वो जी ये है कि कांग्रेस के दिन अब जो है धीरे धीरे जा रहे हैं, एक फेड आउट हो रही है, नहीं, ऐसा ऐसा कुछ लोगों नहीं है, हर राज्य में हमारी सरकार है, जी। अब पंजाब में भी हमारी सरकार है, आसपास के राज्यों में है। और यूपी में क्या है कि कभी संगठन, हम लोग जिस तरीके से संगठन चल रहा है, बस जब हर 5 साल बाद क्या होता है, जैसे सरकार चेंज हुई, अभी पिछली बार सपा की गवर्नमेंट थी, बीजेपी की आई, तो ऐसा नहीं है कि अब बीजेपी भी तो कितने साल सत्ता से दूर रही, जी अब हम लोग कहें कि नहीं हम लोग जो है राज किए 40-50 साल, तो ऐसा नहीं है। देखिए, संगठन क्या है
ये हर बार क्या होता है, नई सरकारें आती हैं और उनके संगठन के लोग टूट, अब हमारे में क्या हुआ, हम लोग 30-32 साल से नहीं हैं तो हमारे संगठन में लोग अभी भी संघर्ष कर रहे हैं और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हम लोग बेईमानी से वो भी अभी आ जाएँ या किसी को झूठ बोल के इस तरीके से हम लोग नहीं करते हैं। पिछली बार क्या हुआ, कर्जा माफ़ी की बात हुई जी, तो हमारी सरकार ने कर्जा माफ़ किया और जिन जिन राज्यों में हमारी सरकार है, किसानों की हो चाहे मजदूरों की है चाहे दलित वंचितों की, सबकी मतलब जो भी वादे किए वो पूरे किए हमारी सरकार ने। तो आप योगी जी के जो पिछले 5 साल रहे 2017 से जो 22 अब आ गया है, इसको अगर देखा आप किस हिसाब से देख रहे हैं इसको, 2017 क्या रहा, 2017 का क्या रहा? असल में ऐसा है, बीजेपी का एक माइंडसेट रहता है, पहले तो लोगों को लुभाना अच्छी अच्छी बातों से कि हम 15 लाख देंगे, ये है वो है, तो इस तरीके से लोग चेहरे ठग गए, कहने का मतलब ये है। तो अब लोग समझ चुके हैं कि बेरोजगारी चरम सीमा पे है, तो अब बदलाव की उम्मीद तो है ही है, अब बदलाव आएगा। और हमारी जो माननीय प्रियंका जी हैं वो यूपी की प्रभारी हैं जी, तो उन्होंने जहाँ भी आप देखिए हाथरस कांड हो, चाहे उन्नाव रेप पीड़िता का मामला हो, चाहे आपके लखीमपुर खीरी की हिंसा का मामला हो, हर जगह वो पहुँची और संघर्ष किया उन्होंने। अच्छा, एक जो चीज़ आपने प्रियंका जी का नाम लिया तो उस दिमाग में आई कि जैसे केजरीवाल हैं दिल्ली में जी जी, तो उन्होंने महिलाओं के लिए बस सेवा जो है फ्री कर रखी है, और मैं ये सवाल मैं आम आदमी पार्टी वालों से भी पूछना चाहता हूँ, उन्होंने फ्री कर रखी है, प्रियंका जी हैं तो वो मैं बेटी हूँ, मैं मतलब ज़्यादातर जो है वो महिलाओं की तरह, तो ये हम जो पुरुष लोग जो पुरुष वर्ग है क्या उनको क्या त्याग दिया है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आधी आबादी पूरा हक को देखते हुए, महिलाओं का शोषण और अत्याचार जो देखते हुए, तो प्रियंका जी ने तय किया कि हम लड़कियों में लड़ सकती हुआ नारा दिया और उसके तहत जो है हम लोग काम कर रहे हैं और उन लोग महिलाओं को टिकट दिया गया है जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुए। अच्छा, जिनके ऊपर जो है शासन ने, प्रशासन ने और किसी भी तरीके के जो गुंडा राज माफिया लोगों ने जो अत्याचार किए, तो उनको प्रियंका जी आगे बढ़ा रही है, उनको टिकट भी दे रही है, पार्टी लड़ा भी रही है उन महिलाओं को। तो हालांकि ऐसा नहीं है कि पुरुष या युवा वंचित रह जाएंगे, 40% के युवाओं को भी जो है हिस्सेदारी दी है इसमें। अच्छा, 60% जो है वो महिलाएँ हैं? हाँ नहीं, 40% की महिलाओं को हिस्सेदारी दी है और हमारा जो जैसे पुराना संगठन है उसको भी हिस्सेदारी दी गई है, युवाओं को भी 40% की हिस्सेदारी दी गई। तो ये है लड़की में लड़ सकती का नारा जो प्रियंका जी ने दिया है मजबूती से जी, तो उस पर इस बार सरकार हमारी सत्ता में आने के लिए पूरी पूरी तैयार है। अच्छा, तो पिछली बार जिस प्रकार 2017 में एक गठबंधन हुआ था राहुल जी और अखिलेश जी में, तो इस बार उसके ऊपर क्या, उस चीज़ के ऊपर क्या प्रभाव रहेगा? देखिए गठबंधन करके क्या हुआ, आप क्या आप उससे पर्सनली? नहीं नहीं, देखिए ऐसा है, वो तो पार्टी का डिसीजन है जी। पार्टी ने 2017 में क्षेत्रीय पार्टियों से गठबंधन किया, सारी क्षेत्रीय पार्टी एक साथ हो गई जी जी जी, चाहे बसपा सपा और हम लोग सब लोग हो गए जी जी। तो इस बार क्या रहा कि संगठन की आवाज़ थी कि भाई जाहिर सी बात है 403 विधानसभाओं में सबको मौका मिले लड़ने जी का। गठबंधन में क्या होता है, हम लोग संगठन की अनदेखी हो जाती है, तो इसलिए इस बार ऐसा नहीं हुआ, सभी सीटों पर हम लोग लड़ रहे हैं और मजबूती से लड़ेंगे, इसलिए कोई गठबंधन का चांस नहीं बना है। लेकिन जैसे चुनाव अगर वो रिजल्ट घोषित हो जाता है, मान लीजिए कि सपा को कुछ लोगों की जरूरत, जैसे गठबंधन की जरूरत पड़ती है, तो क्या कांग्रेस पार्टी इस हालत में रहेगी कि देखिए सीटें हैं? इस बार हमारी सीटें भी बढ़ेंगी और हम लोग बहुमत से सरकार बनाने भी जा रहे हैं, अगर इनके ऐसा कुछ होता है तो पार्टी विचार करेगी, वो तो पार्टी के ऊपर है कि पार्टी क्या करती कैसे जाएगी। हालांकि बीजेपी के साथ तो हम लोग कभी नहीं जाएंगे। अच्छा, क्योंकि हमारी विचारधारा उनकी विचारधारा में जमीन आसमान का अंतर है, वो लेफ्ट राइट वाली बात है। हाँ, तो वो तो कभी नहीं मिल सकते हैं, तो बाकी है आग और दरिया वाला मामला है, तो बाकी है पार्टी का डिसाइड। हाँ, होगा तो पार्टी बैलेंस बनाने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए कुछ भी। हाँ, तो जैसे कि आप लखीमपुर खीरी की अगर बात किया जाए, तो यहाँ के जो प्रेजेंट विधायक हैं वो हैं योगेश वर्मा जी जी, तो उनका कार्य मतलब कार्य कैसा है यहाँ पे, क्या चल रहा है? देखिए सत्ता केंद्र में भी रही जी और यूपीए में भी है, अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में भी है, जो जिस तरीके से लोगों को भूमिका निभानी चाहिए उस तरीके से इन्होंने भूमिका नहीं निभाई। क्या कमियां? मैं किसी एक विधायक को नहीं कहता हूँ, मैं पूरी सरकार की बात करता हूँ कि क्या हुआ शिक्षा मित्रों के साथ, क्या हुआ नौजवानों के साथ, रोजगार देने की बात कर रहे थे तो मोदी जी ने पकौड़ा तलवा दिया,
तो बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो सत्ता में भी, अब राम मंदिर का मुद्दा उठाते हैं कि मंदिर बनाएंगे ये, हाँ ये वो, तो इससे क्या होता है, हम लोगों को खाना तो नहीं मिल रहा है, युवाओं को चाहिए रोज़गार, तो रोज़गार की बात नहीं होते हैं, धर्म के नाम पर लड़ाते हैं बस। अच्छा, जैसे योगी जी ने अभी जब दूरदर्शन पर वो एक एक भाषण ही समझ लीजिए उनका, हाँ मैंने देखा था, CBS वाला, हाँ आप समझ गए, तो उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए ऐसा है, वो 80 बनाम 20 करने का मतलब ये है कि वो ये चाहते हैं, वो कुछ समझे, वो है क्या, हाँ, 80 क्या है 20 क्या है? देखिए 80-20 का वो ये चाहते हैं कि हमारी पॉपुलेशन 80 की है, वो 20 की है, तो हिंदू मुसलमान करा करके उनका इंडिकेशन हिंदू मुसलमान पे है जी, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा, अब 80% जनता समझ चुकी है कि ये झूठ बोलते हैं, और 20% जनता अब इनके ऊपर भले भरोसा कर ले, लेकिन 80% आदमी इनसे नाखुश है। तो ये तो योगी जी इनको बोलना चाहिए था कि 80-20 पे क्या है, इनको क्लियरेशन देना चाहिए था, और हम तो यही कहते हैं कि 80% तो इनसे नाराज़ है क्योंकि इन्होंने कोई काम नहीं किया। लेकिन सर उस नाराज़गी में भी अगर देखा जाए तो क्यों लोग कांग्रेस को चुने, मतलब क्योंकि सपा का भी लोगों ने काम देखा, उन्होंने एक्सप्रेस वे वगैरह किया, ये कानपुर की मेट्रो, लखनऊ की मेट्रो, तो टैबलेट्स वगैरह, लैपटॉप, तो कांग्रेस के पास में ऐसा क्या है कि जो जनता है उत्तर प्रदेश की वो कांग्रेस को वापस से सत्ता में लाए? देखिए कांग्रेस जब भी केंद्र में रही है तो आपको बता दें कि चाहे वो किसी भी तरीके के, जो भी आज भी जो दिख रहा है सब कांग्रेस की देन, स्कूल कॉलेज भी कांग्रेस की देन है, इन्होंने ना एक IT ना एम्स किसी तरीके का कोई निर्माण नहीं किया। एक जो कोविड का टीकाकरण चल रहा है वो भी जो प्रयोगशालाओं में बना है वो भी कांग्रेस की देन है, श्रेय ये ले रहे हैं भाई साहब, मोदी जी का फोटो, योगी जी का फोटो, श्रेय ले रहे हैं। तो कांग्रेस ने इसलिए इतना किया है तो इसलिए लोग उस पर विश्वास है, ये कांग्रेस ने देश को चलाया है जी, तो वही चला सकती है, इसलिए एक विकल्प है कि कांग्रेस तो एक विश्वास, तो सिर्फ एक विश्वास के विश्वास है, युवाओं में भी विश्वास है, मजदूरों में भी विश्वास है। नरेगा आप देख लीजिए, नरेगा कौन लाया, रोजगार गारंटी कौन लाया, आज गाँव गाँव में भी रोजगार गारंटी है, तो वो राजीव जी की देन है, हमारी कांग्रेस पार्टी की देन है। तो कांग्रेस पार्टियों ने जमीन पे काम किया, आज जो जिन कोटों से राशन लोगों को मिल रहा है तो भी कांग्रेस की देन है, जो गांव गांव में कोटे खुलवाए, स्कूल कॉलेज खुलवाए, तो सब चीज़ें कांग्रेस की देन है। और कांग्रेस वादा करती तो वादा खिलाफी नहीं करती, इसलिए लोग कांग्रेस को चाहते हैं। हम लोगों ने पिछली बार नारा दिया 2009 में कि हम कांग्रेस कर्जा माफ़ करेगी, कर्जा माफ़ हुआ, हर इंसान का हुआ, ये कोई नहीं देखा गया, जात बिरादरी नहीं देखी जी जी, और ना किसी तरीके का ये। और ये जो आज आवास पे बता रहे हैं कि हम आवास दे रहे हैं, तो ये इंदिरा आवास योजना थी, इसका नाम चेंज करके प्रधानमंत्री आवास योजना किया है, तो इन्होंने किया कुछ नहीं, नाम केवल नाम चेंज किया। अच्छा, नामकरण से ही जो नामकरण हो रहे हैं, ये जो एक इलाहाबाद आपका अभी शायद प्रयागराज कर दिया, मुजफ्फर नहीं, अब हर तरीके के मुगल सराय का दीनदयाल उपाध्याय, तो ये करके क्या मिला इनको कुछ, आपको आपके अनुसार क्या लगता है कि क्या ऐसा है? ये केवल कुछ नहीं करते हैं, जातिवाद की मंशा होती है जी, ये हमारे अंदर आपके अंदर एक जातिवाद का कीड़ा उत्पन्न करने का, हम आपके लिए कर रहे हैं। नाम से कुछ नहीं होता है, हमें ये लगता है कि नाम से कुछ नहीं होता है, आप नाम किसी चीज़ के भी बदल सकते हैं, आप किसी भी कॉलोनी का नाम बदल दीजिए किसी, तो उस पर रहने वाला तो नहीं बदलेगा ना, वो लोग तो वही रहेंगे जी, तो काम कुछ नहीं किया, केवल नाम बदला है हमने। अच्छा, इस बार मान लीजिए कि कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलती है, तो CM का चेहरा कौन रहेगा? CM देखिए, CM का चेहरा तो ये माननीय हमारे प्रियंका जी और हमारा शेष नेतृत्व तय करेगा कौन रहेगा। हमारे में कभी इस चीज़ की कभी कोई लड़ाई नहीं है, ना कोई वो है, अनबन होती है कि नहीं हम बनेंगे कांग्रेस का चेहरा, ऐसा नहीं है। पिछली बार भी ये चुनाव लड़ा गया तो बिना फैसला, हमारी दीदी ही के हमारे चेहरा काफ़ी है, और रही बस CM का चेहरा तो शेष नेतृत्व तय करेगा कौन होगा। नहीं, जैसे कि राजस्थान में देखा गया था कि कुछ लोग, कुछ कांग्रेस के ही लोग नाखुश थे कि पायलट साहब को जो है CM पद नहीं दिया गया। ऐसा है, वो तो उनकी स्वेच्छा है भाई, हम लोगों ने जहाँ तक देखा कि शेष नेतृत्व जो तय करता है वो अच्छा ही तय करता है, और हमें अगर जो लगता है जहाँ तक ऐसी कोई अनुभव है नहीं वहाँ पे, राजस्थान में भी बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल रहा है, ऐसा कुछ है नहीं।
सचिन पायलट आज भी पार्टी में बरकरार है और हाँ बहुत काफी अच्छे नेता हैं, जी हमारे युवाओं के जी प्रेरणा स्रोत हैं। हम लोग उनको बहुत ज़्यादा आइडियोलॉजी मानते हैं, क्योंकि वो जो राजनीति करते हैं कभी भी उनके भाषण आपने ऐसे नहीं देखे होंगे कि हाँ, कोई ऐसा जी हाँ भड़काऊ कि वगैरह कुछ नहीं वो रहता है जी। और ये तो। बाकी ये है कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि इस बार हम लोग प्रियंका जी के साथ काम कर रहे हैं, हमारे साथ वो आई हैं यूपी में, तो रेगुलर वो देख भी रही हैं, हर चीज़ वॉच कर रही हैं, एक 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 विधानसभा, एक एक नया पंचायत भी जा रही है। अच्छा, प्रियंका जी से आपकी कभी मुलाकात हाँ हुई मुलाकात तो हुई है, कैसी, मतलब अगर आप पर्सनली उनको बताएं, क्योंकि ज़्यादातर एक लोग नहीं मिलते हैं। इंटरव्यू में मैं गया था, अच्छा। यहाँ का अध्यक्ष का इंटरव्यू हो रहा था लखीमपुर का, तो शहर अध्यक्ष का इंटरव्यू था, तो मैं गया दिल्ली, तो मिली जैसे ही हम आप बैठे इस तरीके से बैठी, कोई हाई फाई हाई बहुत ज़्यादा लोग मतलब बताते हैं कि बड़े लोग हैं बड़े नेता, ऐसा कुछ नहीं है। माननीय प्रियंका जी एक बिल्कुल साधारण तौर पे हमसे बात की और सारी चीज़ें डिटेल ली, सारी बातें करी, तो हम लोगों में उत्साह होता है यही कि हमारी नेता इस तरीके से हम लोगों से बैठ करके एक एक चीज़ पूछती हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो मिले तो काफ़ी देर चर्चा भी हुई, फोटो सेशन भी हुआ और बातें हुई संगठन के बारे में और अपने बारे में, यही सब चर्चाएँ हुई। अच्छा, जैसे एक पुराना, अगर प्रिमिटिव माइंडसेट जिसको कहा जाता है, कि जो कॉर्पोरेट उसमें भी चलता है, चाहे एडवांस भी हो जाए, कि जैसे पांच लोगों का ग्रुप है, पांचों आदमी हैं, उनकी अगर एक बॉस को एक महिला बना दिया जाए, तो जो पांच रहते हैं उनमें से दिक्कत रहती है कि यार एक महिला होकर के हमें ऑर्डर कर रही है या हमें काम दे रही है, तो वैसे कुछ लोग हैं पार्टी में क्या? ऐसा आपको हम बहुत अच्छा सा एक उदाहरण देते हैं, जी जी आपके घर में हमारे घर में जी महिला ही घर चलाती जी है, जी और जाहिर सी बात है कि वो हम लोग जो खाते हैं जो पसंद करते हैं उनको पता है, जी और बाहर भी जी महिलाएं जो अच्छा घर चला सकती हैं, हम लोगों को पाल सकती हैं, बड़ा कर सकती हैं, चाहे हमारी माँ हो बहन हो बेटी हो, तो वो क्या समाज में आगे कुछ कर नहीं सकती हैं। हम लोग ऐसा नहीं है कि महिला के पीछे, आपको बता दें इंदिरा जी भी प्रधानमंत्री रही, इंदिरा जी, और क्या देश नहीं चलाया बिल्कुल चलाया, तो महिलाएं भी कर सकती हैं, ऐसा नहीं है कि अब लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा प्रियंका जी ने दिया है, तो महिलाएं भी देश चला सकती हैं, महिलाएं भी हिस्सेदारी अपनी ले सकती हैं। अब ये है कि अब हम लोग सोचते हैं कि नहीं महिलाएं नहीं चला सकती, ऐसा नहीं है, देने से ही पता चलेगा कि हाँ वो चला सकती है नहीं, इसीलिए हम लोग जानते हैं कि चार लोगों को कमेटी में है, पांच लोगों की महिला है, तो ऐसा नहीं है, हम लोग सर्व सम्मान करते हैं, क्योंकि हम लोगों के घर में भी महिलाएं हैं और बाहर भी महिलाएं, तो अब हर सेक्टर में आप देख रहे हो महिलाएं कितनी आगे बढ़ रही हैं, जी तो मौका देना चाहिए सही बात और युवाओं को भी मौका देना चाहिए, सभी को बराबर का दर्जा दिया जा रहा है भाई। है। 40% का आरक्षण अगर जो लड़की हूँ लड़ सकती का मिला है, तो 40% युवाओं को भी मिला है बराबरी बराबरी की। का। चलिए ठीक है रियाज जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, जी, और देखते हैं कि इस बार सरकार में क्या होता है, उत्तर प्रदेश की जनता चुनती है किसे, जैसा भी रहेगा। बिल्कुल, अब तो सरकार आएगी और हम तो ये आपसे भी कहेंगे कि प्रार्थना करिए ऊपर वाले से कि एक विचारधारा एक अच्छी जी, जो समाज की जो पार्टी है हम लोगों की, जो देश हित में काम करती जो है, देश हित में काम करे, जो तो राज्य हित में बस काम वो रहे, करे। और बाकी स्वार्थ की राजनीति हम लोग नहीं करते हैं, जी सत्ता की वो हमें मलाई खानी होती है तो हम भी क्षेत्रीय पार्टी में होते हैं, हम चाहते हैं हम देश के साथ में हैं, अपने भाइयों के साथ में, युवाओं के साथ में हैं, युवा वर्ग यही चाहता है कि हमें नौकरी मिले आगे काम हो, बस पर अच्छा, इसी के लिए। एक लास्ट सवाल बस मेरे दिमाग में अभी आया, कि जी अखिलेश जी के कार्यकाल के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या कैसा रहा उनका, जो जब तक वो राज किया उन्होंने 10 साल जो नहीं थे। देखिए आपको मैं बता दूं कि अखिलेश जी एक्सप्रेस वे का श्रेय लेते हैं, और हालांकि किया है उनकी गवर्नमेंट में हुआ है, पास किया है उन्होंने, काफ़ी लैपटॉप बांटे, टैबलेट फ़ोन बांटे, जो भी साइकिल वगैरह बांटी, कन्या विद्याधन दिया, तो आपको मैं बता दूं कि केंद्र से भी बहुत चीज़ें सब्सिडी पे होती हैं, अब मान लीजिए कोई इंटरनेशनल हाईवे बनना है तो उसमें भी केंद्र का भी रोल रहता है, जी तो हम लोग प्रचार प्रसार में इतना विश्वास नहीं रखते हैं, आप जानते होंगे कि कांग्रेस ने अभी तक जितना भी किया कभी प्रचार प्रसार नहीं किया, नहीं किया, ये तो सत्य है। और रही बात अखिलेश जी की, तो अखिलेश जी ने वो काम किया तो उसका श्रेय भी उन्हीं को जा रहा है भाई, उनकी सरकार में हुआ है, और हमारी सत्ता में भी सरकार जब सेंट्रल में थी तो अखिलेश जी की यहाँ पे भी थी, तो काम हुआ है, तो लगभग आपको पता ही है कि सेंट्रल से अगर जो 60 रुपये आते हैं तो 40 रुपये यहाँ के भी लगते हैं, तो हिसाब से विकास तो होना ही होना है, बिल्कुल और जब तक केंद्र में कांग्रेस रहेगी वो चाहे कोई भी प्रदेश
अगर जो डेवलपमेंट के लिए अगर जो कुछ मांगता था कभी मना नहीं किया गया, सबको बराबर से ही कांग्रेस ने दिया, चाहे कोई फर्क नहीं माना कि हमारी सत्ता नहीं है यहाँ पे, तो ऐसा नहीं है। यूपीए में भी जो काम हुए कांग्रेस के राज में भी हुए, इससे पहले भी हुए, तो कभी फर्क नहीं समझा, वो देते रहे बराबर, ऐसा तो है नहीं। अखिलेश जी ने अच्छा काम किया है, अच्छा काम किया। कुछ कमियां अगर दो चार अगर देखना चाहे तो? नहीं, कमियां तो कोई नहीं हमें नजर आई अभी तक की। खैर, किसी पार्टी की बुराई करके भी हमें कुछ मिलेगा नहीं। अगर हम अच्छाई नहीं कर सकते तो हम बुराई भी नहीं कर सकते हैं। और रही बात, हम अपनी विचारधारा से चल रहे हैं, गांधीवादी तरीके से चलते हैं हम लोग, कभी किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, ना भला कर सको ना तो बुरा भी मत करो, तो यही है विचारधारा चल रही है। अच्छा, कभी किसी पार्टी से कोई ऑफर आया कि क्या कांग्रेस तो 30 साल से नहीं आई है इधर? हाँ, ऑफर तो कई रहते हैं, हम लोगों के पास ऑफर आते रहते हैं, लोग कहते हैं कि इसमें अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आगे आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन संघर्ष करने मज़ा आता है। अच्छा, संघर्ष जो इंसान आगे बढ़ता है वो हमेशा सक्सेस की ओर बढ़ता है। अगर जो हम आसानी से किसी चीज़ को पा लें तो उतना मज़ा नहीं आता है, तो हमें संघर्ष सुनना था, तो हमने संघर्ष सुना, और पार्टी भी हमारी संघर्ष करती है, और लोगों के लिए चाहे किसी के लिए भी लड़ाई लड़नी हो तो हम लोग लड़ते हैं। हमारे ऊपर मुकदमे भी कई हुए हैं। अच्छा, हमने कई बार सरकार का विरोध जताया, पुतले फूके, तो बहुत सारे ये सब चीज़ें देखते हैं लोग, तो कहते हैं कि व्यक्ति को हमारी पार्टी में होता तो काफ़ी अच्छा काम होता। हालांकि ऑफर तो कई जगह से आए, लेकिन हमने कहा नहीं, हमें इसी पार्टी में रहना है। थाली का बैंगन नहीं बनना? नहीं नहीं, थाली का बैंगन नहीं। एक जो कैरियर होता है, कैरियर बनाने का समय होता है, अगर जो हम इसमें लगा देंगे ना, अब जो लोग जा रहे हैं, पार्टी छोड़ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई बीजेपी से आ रहा है, कोई सपा जा रहा है, कोई सपा से आ रहा है, उसमें जा रहा है, तो ये सब अपने स्वार्थ के लिए नहीं करना चाहिए मुझे लगता है। और हम स्वार्थी नहीं हैं, हम चाहते हैं कि अगर जो मेरे साथ जो टीम जुड़ी हुई है, 2000 2500 जो युवा जिले का जुड़ा हुआ है, फिर वो कहाँ जाएगा? हम अगर जो अपने अपने से समझौता कर लेते हैं तो वो कहाँ जाएगा? वो हमारे साथ में काम कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, अध्यक्ष रहा, तो टीम है हमारी, तो हम उसको नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद रियाज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों से बात करने के लिए। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे किसी और पार्टी के किसी और नेताजी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।